नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह का आज विदाई समारोह डीआरपी लाइन में आयोजित किया गया था। पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह तकरीबन 4 साल धार में पुलिस कप्तान के रूप में रहे और लोकप्रिय पुलिस कप्तान रहे। उनके विदाई समारोह में पुलिस के आला अधिकारी सहित कलेक्टर ने अपना संबोधन दिया। हर कोई पुलिस कप्तान के व्यवहार का और जिले में उनके कार्य को याद कर शब्दों को एक माला में पिरोकर संबोधित कर रहा था। धार पुलिस कप्तान ने भी अपने खास अंदाज में सभी को खूब हंसाया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लगा ही रहता था ऑफिस जाने से पहले, हमेशा मंदिर पे आशीर्वाद। ये बहुत ही भावुक पल है। अधिकारी मेरे हिसाब से 4 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जियो और जीने दो, एक वो होते हैं मैं तो जीऊंगा लेकिन किसी और को जीने नहीं दूंगा, एक होते खुद नहीं जीते वो, बाकी सब जीते रहे, और चौथे होते ना जीऊंगा ना जीने दूंगा। वैसे तो सभी प्रकार की सेवाओं में इसको बंद करने का मतलब है कि इतना अंदाजा नहीं था कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, और क्योंकि स्टेज पे मेरी वाइफ के सामने इतनी अच्छी बातें बोली गई, मैं अगले झगड़े से पहले वाइफ को ये दिन याद दिलाऊंगा, हमेशा ये याद रखिए कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। और अगर मुझे पता होता कि मैं इतना ही अच्छा आदमी हूँ तो मैं आपको और भी प्रताड़ित करता। चलिए, सबसे पहले मंचासीन मेरी धर्म माननीय कलेक्टर साहब प्रियंक मिश्रा जी, हमारे आज के प्रोग्राम में मेरे परिवारजन, हमारे इन लॉज, मेरे परिवार के लोग, मेरे सभी ऑफिसर। सर, जो भी आज दिख रहा है वो श्रीमान के सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन। बहुत दूर है, मार्केट से बहुत दूर है, तो एटीएम गेट का निर्माण करा दिया, एटीएम बनवा दिया। पुलिस परिवार को बाजार बहुत दूर लगता था, कैंटीन का निर्माण करा दिया।